हेलो एवरी वन माई सेल्फ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मोमेंट्स मतलब कि वो सारे आंदोलन जो पर्यावरण से संबंधित हैं पर्यावरण से रिलेटेड हैं और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ठीक है तो हमारे जो चार वीडियोज़ हमारी अब तक कवर हो चुकी हैं जिसमें चिपको आंदोलन और अपीको आंदोलन ये दोनों जो हैं वो पेड़ पौधों से रिलेटेड है और जो ये शांत घाटी बचाओ आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन नदियां और बांध से रिलेटेड है कि कैसे उस नदी पे बांध बनाने की कोशिश की जा रही थी और शांत घाटी बचाओ आंदोलन में उस कोशिश को ख़त्म किया गया मतलब कि जो बांध है वो नहीं बनने दिया गया जो डैम है उसको कंस्ट्रक्ट नहीं होने दिया लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन में उस जो बांध था जो डैम था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था ठीक है जो आ, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गई थी याचिका गई थी और उसके बाद जो है आ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है अनसक्सेसफुल मूवमेंट रहा था अगर आपको डिटेल में ये चारों वीडियोस करनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो प्लेलिस्ट नाम है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं आपको मिल जाएंगी ये वीडियोज़ और आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान मतलब कि स्वच्छ जो हमारा इंडिया है उसे हमें कैसे क्लीन रखना है स्वच्छ रखना है साफ रखना है उससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी हमारी गंगा बचाओ आंदोलन में मतलब कि सेव गंगा आंदोलन या फिर जिसे हम बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो जो ये वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्वच्छ भारत अभियान मतलब कि हमें पूरी कंट्री को हमारी पूरी भारत देश को हमें साफ रखना है तो बात करते हैं हमारे भारत की हमारे देश की जिसे हमें साफ रखना है स्वच्छ रखना है सबसे पहले भारत सरकार ने जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है भारत सरकार है उसने 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंप लगाया था मतलब कि पूरा का पूरा टोटल मतलब पूरा टोटल और सैनिटाइजेशन मतलब कि साफ रखना स्वच्छता से रिलेटेड एक कैंप बना लगाया था जिसे हम बोलते हैं टोटल सैनिटाइजेशन कैंप इसमें क्या किया गया था लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया गया था कि कैसे हमें साफ सफाई रखनी है सफ़ाई के क्या क्या लाभ हैं क्या हमें नुकसान होते हैं अगर हम सफाई नहीं रखते हैं क्या क्या बीमारियां होती हैं क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं और जो हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं वो भी बताए थे कि हमें अपनी जो स्वच्छ रखनी है भारत को ये हमारा मुख्य उद्देश्य है वो बताया गया था उसके बाद क्या हुआ था जो हमारे स्वच्छ जो हमारा टोटल सैनिटेशन कैंप था उसका नाम चेंज कर दिया गया था जिसको बाद में बोला जाता था निर्मल भारत अभियान जिसे हम बोलते हैं निर्मल भारत अभियान एन ये बोला जाता था निर्मल भारत अभियान जिसको थोड़े टाइम बाद फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और जिसे अब बोला जाता है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान जिसको अग, जिसका अब एट प्रेजेंट जो नाम है वो है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान को एक और नाम दिया गया है क्लीन इंडिया मिशन क्लीन इंडिया मिशन भी इसे कहा जाता है या फिर क्लीन इंडिया ड्राइव बोला जाता है ठीक है तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वो एक जन आंदोलन है सामाजिक आंदोलन है और जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय लेवल है इसका और सरकार का मेन जो लक्ष्य था जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है गवर्नमेंट ने दो तरीके से अपने देश को साफ रखने के लिए अभियान चलाए हैं सबसे फर्स्ट तो हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन की या स्वच्छ भारत अभियान की आ, लेकिन इसके बाद एक और जो हम करेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्लीन गंगा तो ये भी जो मिशन था ये दोनों ही सफाई से रिलेटेड है तो इसमें जो हम एस बी एम कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं उसमें जीवन जो हमारा रहना सहना है उसमें सफाई को सबसे प्राथमिक जगह पर रखा है प्राथमिकता दी है सफाई को और सफाई जो है उसे हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया है ये तो हमें पता ही है कि हम साफ़ रहेंगे तो हमारा जो स्वस्थ जिंदगी बिता पाएंगे और जो सफाई है तथा जो स्वस्थ स्वच्छता होती है भारत के सभी नागरिकों की एक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस अभियान को सत्य ग्रह से स्वच्छ ग्रह का नाम दिया है पहले एक इस अभियान से पहले एक अभियान चला था जिसका नाम था सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के टाइम पे था जिसे हम बापूजी बोलते हैं तो उनके टाइम पे एक सत्याग्रह का अभियान चला था तो उन्होंने इसे इस अभियान को स्वच्छ भारत अभियान को सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का नाम दिया है स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग जो शौचालय बनाने की बात की गई है कि हमें सफाई रखनी है खुले में शौच नहीं जाना और जो शौचालय हैं जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं तो उनके निर्माण के लिए परिवारों को स्पेशल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना भी इसी के अंदर आता है जो सब्सिडीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना प्रदान किया जाता है और जो घरों में आई एच एच एल एस मतलब कि जो हमारी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी जो क्लस्टर शौचालय होते हैं और फिर समुदायिक शौचालय होते हैं उनको साथ में कवर किया है स्वच्छ भारत अभियान में और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन में निर्मल भारत अभियान के पुनर्गठन के लिए अपनी जो परमिशन है स्वीकृति जो होती है वो दे दी है और जो एन है जो हमारा नेशनल मिशन फॉर आ... एस बी ए जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है एस बी ए है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इनके दो पार्ट्स जो हैं वो उपमिशन के नाम से जाने जाते हैं दो उपमिशन हैं तो सबसे फर्स्ट जो उपमिशन है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और दूसरा जो है वो है हमारा शहरी मतलब कि एक रूरल एरिया के लिए है और एक अर्बन एरिया के लिए है तो इस तरीके से, से दो पार्ट्स में है डिवाइड किया गया है भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुले में सोच को एक शर्मिंदगी के रूप में पहचानते हैं उन्हें पता है कि एक खुले में सोच जाना कितना गलत है लेकिन अगर कोई भारत के बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के उत्पाद उत्पादकता के होने वाले नुकसान के बारे में बताता है तो यह स्पष्ट होता है कि जो हमारे स्वच्छता है वो संकट से पूरा घिरा हुआ है हमारा हम जो वास्तविक स्थिति है जो वो आपात स्थिति में हम गुजर रहे हैं इसी स्थिति से निपटने के लिए और इस जो हम हम जिस एरिया में हैं उससे बाहर निकलने के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई और जो स्वच्छ भारत अभियान है स्वच्छ भारत मिशन है वो भारत सरकार की दृष्टि में उन्होंने क्या किया था भारत सरकार ने उन्होंने महात्मा गांधी का सपना पूरा किया है क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे हैं जो महात्मा गांधी हैं उनका सपना था कि जो हमारा देश है वो पूरा साफ हो स्वच्छ हो तो साफ़ स्वच्छ मतलब कि निर्मल भारत का जो सपना था गांधी जी का उसको, उसको पूरा किया है उस सपने को पूरा किया है और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी वन फिफ्टीवीं सॉरी वन फिफ्टी मतलब कि एक सौ पचासवीं जो श्रद्धांजलि थी उन पर उसकी श्रद्धांजलि के रूप में जो है स्वच्छ भारत मिशन को आगे शुभारंभ किया गया था ये जो कार्य किया गया है ये टू थाउजेंड नाइनटीन में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इस कार्य को शुरुआत की थी पूरे देश में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन करना और साथ ही साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ये जो दिन है दो आ, मनाया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री जो मैंने आपको पहले ही बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया तो इन इसका शुभ शुभ जो किया गया था वो टू अक्टूबर 2014 में किया गया था जो कि राजघाट नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया है उद्घाटन किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के कुछ मिशन हैं सबसे फर्स्ट जो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन है वो यही मिशन है कि हमारे जो खुले में शोच करना है जो खुले में शौच करना है आ, उसको ख़त्म करना है इलिमिनेट करना है टोटल क्लीन करना है किस चीज़ को खुले में शोच करने को क्योंकि पता ही है कि खुले में अगर कोई व्यक्ति शोच करता है तो उससे कीटाणु फैलते हैं कीटाणुओं से बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि मैनुअल सिवरेजिंग सी, मैनुअल सिवरेजिंग क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने हाथों से नाले जो नाले होते हैं गड्ढे होते हैं सीवर्स होते हैं तो उसमें से जो अमल मूत्र होता है उसको निकालते हैं अपने सिर पर उठाते हैं और लेके जाते हैं इसे बोलते हैं मैनुअल सीवरेजिंग ठीक है तो ये जो मैनुअल स्वेंजिंग है तो इस चीज को खत्म करना ही एस का दूसरा उद्देश्य है ये सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है मैनुअल सीवरेजिंग को खत्म करना मैनुअल स्क्वेंजिंग स्क्वेंजिंग को ख़त्म करने के लिए भी बहुत से तरीके अपनाए गए हैं बहुत से ऐसे टेक्निक्स को लाया गया है जिससे मैनुअल स्क्वेंजिंग ख़त्म हो जाए और फिर कहते हैं कि जो हमारे आधुनिक हैं जो मॉडर्न हैं और जो वैज्ञानिक हमारे नगर पालिका हैं उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो पुनर्प्रयोग की जा सकती है उन्हें रिसाइकिल करना आ, करने की एक उद्देश्य बनाया गया है एस का स्वच्छ भारत मिशन का फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो स्वच्छ स्वच्छ है हमारी स्वच्छता है हमारा स्वास्थ्य है हमारी जो संबंध हमारी जो स्वच्छता प्राथ प्रथाओं के संबंध में जो व्यवहार होता है उसमें भी परिवर्तन को प्रभावित करना मतलब कि जो हमारा व्यवहार है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत अभियान फिर दो टर्म्स आती हैं कि कैपैक्स एंड ओपेक्स इन दो जो निजी क्षेत्र हैं इन दोनों को निजी क्षेत्र में भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण बनाना भी एस का उद्देश्य है अब हम बात करते हैं कि जो सफाई है जो साफ़ रखना है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है मतलब कि जो स्वच्छता है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी महत्वता क्या है तो सफ़ाई जो है वो आ, सफाई का जो अर्थ है जो मीनिंग है वो स्वच्छता है साफ रखना है अपने आसपास में फैली हुई गंदगी को साफ़ करना है जो स्वच्छता है गंदगी है जो हमारे आस के वातावरण है और जीवन को हमारे वातावरण को जीवन को प्रभावित करती है उस अस्वच्छता को दूर करना उस गंदगी को दूर करना और साथ ही साथ जो अस्पताल में जो रोगी हैं जो अः uh... जो ना जिनको डिसीजेज हैं जो बीमार लोग हैं उनकी बढ़ती जनसंख्या हमें सफाई की और ध्यान आकर्षित करवाती है क्योंकि अस्पताल में जितने ज़्यादा रोगी होंगे दैट मीन्स हमारा जो पर्यावरण है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं है आ, तो इसी तरीके से कहते हैं कि अगर अस्पताल में ज़्यादा रोगी हैं तो हमारा सफाई की तरफ जो हमारा ध्यान है वो आकर्षित होता है हम अट्रैक्ट होते हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए ता, ताकि हम बीमार ना पड़े फिर कहते हैं कि जो स्वच्छता है वो जो स्वच्छता अभियान है भारत को स्वच्छ और गंदगी मुक्त बनाने के लिए एक जो मुहिम है वो गंदगी मुक्त बनाने के लिए है ये जो अभियान है वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और ये पिछड़े और वैधानिक कस्बों जो कस्बे हैं जो गांव हैं और साथ ही साथ जो शहर हैं उनको साफ़ करने के लिए ये जो आ, अभियान है वो चलाया गया है यह अभियान भारत को स्वच्छ तथा हरा भरा बनाने के लिए मदद कर रहा है आज भी बहुत से लोग सफाई की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भारत सरकार की जो सराहनीय कोशिश है बहुत अच्छी कोशिश है और देखा जाए तो जो हमारे आस है जो सफाई है साफ सफाई है उस वो हमें रखनी चाहिए ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम बहुत सी चीज़ों को साफ रखें हम आसपास का जो पर्यावरण है उसको साफ रखें अगर हम सभी अपनी इस जिम्मेवारी का एहसास होता है अगर हमें तो इस अभियान की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं क्योंकि हम खुद ही सफ़ाई कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को ठीक है तो सफाई अगर हम खुद हमें इस जिम्मेवारी का आभास होता तो हमें इस अभियान की ज़रूरत नहीं पड़ती कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कोई अपना घर तो ज़रूर साफ करता है लेकिन अपनी सारी जो गंदगी है कूड़ा कचरा है करकट है वो सारी गलियों में सड़कों में या चौराहों पर ऐसे फेंक देते हैं तो ये सोचते ही नहीं कि ये पूरा देश ही हमारा है ऐसे साफ़ रखना है इसे पूरा स्वच्छ बनाना है ये काम सिर्फ हमारा है स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर जो आ, हमारे विलेज एरियाज़ हैं उनके लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं है आ, सबसे फर्स्ट यही चीज़ होती है कि उन वो शौचालय का प्रयोग नहीं करते वो खुले में जाते हैं और हमें ये उन्हें सिखाना पड़ेगा हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा कि आप लोग शौचालय का प्रयोग करें खुले में ना जाए इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं उन्हें अगर बीमारियों के बारे में बताया जाए तो वो ज़रूर खुले में जाना बंद कर देंगे खुले में सोच जो है वो सार्वजनिक रूप से सोच करने की प्रथा है और जो ये सांस्कृतिक प्रथाओं तथा शौचालय तक पहुँच ना होने के परिणाम स्वरूप ये खुले में सोच की प्रथा चली है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शौचालय बनवा नहीं सकते क्योंकि शौचालय बनवाने के लिए खर्चा होगा इसीलिए बहुत से लोग खुले का खुले में जाना आ, अच्छा लगता है उन्हें क्योंकि देखो दुनिया भर में जो बिलियन लोग हैं उनमें से जो आज भी खुले में शोच करने का अभ्यास करते हैं लगभग छः मिलियन लोग हैं जो छः मिलियन लोग हैं जो सिर्फ भारत में रह के खुले में सोच करते हैं और साथ ही साथ लगभग हम इसी का आइडिया लगाएं तो हमारे सिक्सटी परसेंट लोग भारत में रहते हैं जो खुले में सोच करते हैं साथ ही साथ कहते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो हज़ार उन्नीस में दो हजार उन्नीस में टू थाउजेंड नाइनटीन में एक सौ ग्यारह मिलियन 111 मिलियन शौचालय बनाने के लिए बनवाए जाएंगे ये ऐलान किया गया था कि एक 111 मिलियन शौचालय बनाए जाएंगे जो प्रतिदिन छः सॉरी साठ हज़ार से अधिक शौचालय होंगे और एक सेकंड लगभग एक शौचालय होगा और केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए लगभग बासठ हज़ार करोड़ बासठ हज़ार करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है और शौचालय के निर्माण के लिए उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए एक लाख चौंतीस हज़ार करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो किया जाएगा इस अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत याद रखनी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी जैसे कि इस अभियान का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है महात्मा गांधी जी का जो चश्मा है उसे चिन्ह के रूप में लिया गया है जैसे कि हर एक पार्टी होती है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक चिन्ह रखती हैं वैसे ही इस अभियान के लिए एक चिन्ह रखा गया है महात्मा गांधी का चश्मा महात्मा गांधी जी का ही क्यों रखा क्योंकि जो ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान है वो महात्मा गांधी का सपना है और उन्हीं की श्रद्धांजलि के रूप में हम रहे हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको बताने देना चाहती हूं गांधी जी को लिंक किया गया है स्वच्छ भारत अभियान से उसके बाद क्या कहते हैं कि इस अभियान का एक वाक्य है एक स्लोगन है तो स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर जो इसका स्लोगन है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर और।, और जो ये स्वच्छता का जो काम है वो किसे सौंपा गया है इसे भारत सरकार के मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल मतलब पीने वाला पानी जो होता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जो ये काम है वो सौंपा गया है इस अभियान को एक और नाम से जाना जाता है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया मतलब कि इसमें इंडिया को साथ रखने की बात की गई है और साथ ही साथ उसे हरा भरा बनाने की बात की गई है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया इसके एक दो स्लोगन्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा अहम है हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन अगर हमने स्वच्छता नहीं रखी तो हम स्वतंत्र नहीं हैं हमें बीमारियां घेर लेंगी और हम बीमारियों के काबू में होंगे इसलिए हम स्वतंत्र तो वहाँ भी नहीं है इसलिए कहा गया है कि स्वच्छता जो है वो स्वतंत्रता से ज़्यादा अहम है ज़्यादा पहले उसे क्या है हमें स्वच्छता को देनी चाहिए पहल स्वतंत्रता बाद की बात है उसके बाद कहते हैं कि जो सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लोगन है महात्मा गांधी की कही गई लाइने हैं क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो परिवर्तन हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने आप पे लागू करें अब ये बात स्वच्छ भारत अभियान में ही क्यों आई सबसे पहली चीज देखो कि हम परिवर्तन लोगों में देखना चाहते हैं हम सामने वाले में कहते हैं कि ये इंसान सफाई नहीं रखता लेकिन हमें पता है कि हम सफाई रख रहे हैं हम भी तो अपने घर में बहुत सी चीज़ों में बहुत ऐसे कूड़ा करकट सा फैला देते हैं हम अपने गली में ही बहुत कूड़ा करकट फैला देते हैं तो वही चीज़ कहते हैं कि हम सबसे पहले खुद में परिवर्तन करें हम जो परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं उससे पहले हम खुद में वो परिवर्तन कर लें ताकि दूसरे व्यक्ति की जो खोज है वो पूरी हो जाए अब बात आती है कि खुले में सोच के क्या नुकसान होते हैं इससे खुले में सोच करने से क्या होगा तो सबसे फर्स्ट जो खुले में सोच के कारण जो हमारे स्वास्थ्य हैं व्यक्तिगत सुरक्षा जो है वो प्र, आ, सुरक्षा प्रभाव मुख्य रूप से जो स्वच्छता है उसकी कमी हो जाएगी और जो स्वस्थ स्वास्थ्य प्रभाव है खुले में सोच करने से या स्वच्छता की कमी से जो बहुत से रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं जैसे दस्त लग जाते हैं या आंतों में कीड़े संक्रमण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और कुछ और भी इसकी बीमारियां होती हैं खुले में शौच करने की जैसे टाइफाइड हैजा हाइपेटाइटिस और पोलियो ट्रकोमा एंड बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो खुले में शौच करने से आती हैं फिर कहते हैं कि सुरक्षा और लिंग प्रभाव क्या पड़ता है सुरक्षा और लिंग प्रभाव इस तरीके से पड़ता है कि खुले में शौच मानव सुरक्षा की गरिमा पर प्रभाव पर डालते हैं विशेषकर जैसे कि जो महिलाएँ होती हैं वो खुले में शौच अगर करेंगी तो लिंग आधारित हिंसा हो सकती है या यौन उत्पीड़न के जो केस है, वो सामने आ सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा अधिक संवेदनशील होती है इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सुरक्षा का लिंग का प्रभाव इसमें जरूर पड़ता है फिर कहते हैं कि जो खुले में सोच है उसकी चुनौती को दूर करने के के लंबे समय के प्रयासों के बाद भारत की हट हट थी एक जिद थी कि स्थिति में अपरिवर्तनीय जो बनी हुई थी एक हट है कि खुले में सोच ही करेंगे इसका कारण ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो वास्तव में जो शौचाल हैं वो सस्ती नहीं मिलती है उन्हें बहुत तो खर्चा करना पड़ जाता है शौचालय के लिए इसलिए वो खुले में शौच करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं खुले में शौच को कम करने के प्रयासों की जागरूकता बढ़ाने वाले व्यवहार परिवर्तन अभि, अभियान जो हैं वो शामिल किए गए हैं जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है ये भी खुले में शौच करने को रोकता है ठीक है और ये जो बढ़ती हुई राजनीतिक है और साथ ही स्वच्छता की मांग को भी शामिल करता है जो एक कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटाइजेशन है जो एक कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटाइजेशन जो है उसमें अभियानों को खुले तौर पर खुले में सोच करने के लिए खुले के खुले में सोच करने को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमें समुदाय को खुद की ट्रिगर पर ट्रिगर करना पड़ रहा है हमें इन जो लोग ही इस अभियान को चला रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि हाल ही में लॉन्च हुए एस बी एम स्वच्छ भारत मिशन जो है वो जो इनकी समस्या है जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व ज़रूर कर लेंगे इस मिशन को जो सहयोग है इस मिशन को बहुत सहयोग मिला और सहयोग देने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना हिस्सा लिया इसमें और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस मिशन के प्रचार प्रसार के लिए लगभग ग्यारह जो लोग हैं उन्होंने अपना योगदान दिया टोटल 11 पर्सन्स या इलेवन ऐसी ग्रुप्स हैं जिन्होंने हेल्प की है सबसे फर्स्ट जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर जो कि हमारे क्रिकेटर हैं फिर उसके बाद अनिल अंबानी प्रियंका चोपड़ा बाबा रामदेव जी ने इनका बहुत सपोर्ट किया है स्वच्छ भारत अभियान में सलमान खान हैं शशि कपूर हैं और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो पूरी टीम है उसने भी इस मिशन में बहुत सहयोग किया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्पेशली बहुत सी चीज़ों को दिखाता है और उन्होंने भी जो स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को अपने तरीके से लोगों को दिखाया है और उन्हें बहुत प्रभावित किया है तो ये थे हमारे कुछ ग्यारह लोग आ, नेक्स्ट मैं एक स्लोगन बोलना चाहूँगी जो बहुत अच्छा है इस स्वच्छ भारत अभियान को शो करने के लिए कहते हैं कि थूकने को नहीं है धरती मैया बदलो अपनी सोच भैया थूकने को नहीं है धरती मैया बदलो अपनी सोच भैया आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई डाउट रहता है कोई क्वायरी रहती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं और थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी टिल एंड